हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस टाइप की फोटो एडिटिंग, जस्ट वन क्लिक में आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप लाइटरूम में बिगिनर है तो मैं आप सबके लिए एक प्रीसेट बना दिया हूँ, तो प्रीसेट आप यूज करके आप फटाफट चुटकियों में एडिट कर सकते हैं। सो ट्यूटोरियल बहुत ही सिंपल और इजी है, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, उसके बाद आप इजीली सीख जाएंगे। एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाइए आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं काफी अच्छा अच्छा पोस्ट करता रहता हूँ। सो वहाँ से अगर आपको कोई भी फोटो पसंद आता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ट्यूटोरियल भी बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फोन में ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप को। एंड लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद आपको ऑल फोटो पे आना है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं मैं पहले से इस फोटो को इंपोर्ट करके रखा हूँ, तो यहाँ पे इस फोटो को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सो सेलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट आपको आना है लाइट वाले ऑप्शन, देख सकते हैं इस लाइट वाले ऑप्शन में आना है। सो लाइट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो का कंट्रास्ट हल्का सा इंक्रीज करना है एंड हाइलाइट्स को हल्का सा कम कर देंगे कुछ इस तरह से, एंड शैडो को हल्का सा इंक्रीज करके ब्लैक को कम कर देंगे कुछ इस तरह से। सो आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद एक्सपोजर को हल्का सा कम कर देंगे। ओके गाइस, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं कलर ऑप्शन। कलर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको वाइब्रेंस को हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड उसके बाद आपको मिक्स ऑप्शन, यहाँ आप देख सकते हैं मिक्स ऑप्शन पर आना है। मिक्स ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ से सेचुरेशन को इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरह से, 46 रखना है। एंड लुमिनेंस को डिक्रीज कर देना है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद ह्यू को मैं हल्का सा चेंज कर दूंगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं कितना अच्छा फोटो बन रहा है। सो नेक्स्ट कलर ऑप्शन आएंगे ऑरेंज कलर, फेस कलर, तो यहाँ पर मैं सिचुएसन को हल्का सा कम कर दूँगा एंड लुमिनेंस को इंक्रीज कर दूँगा, तो फेस जो है वाइट हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट येलो कलर, येलो कलर में आने के बाद सिचुएशन को बिल्कुल ही कम कर देंगे एंड लुमिनेंस को भी कम कर देंगे कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद ग्रीन कलर, सो गाइस, तो ग्रीन का सिचुएशन आपको बिल्कुल ही कम कर देना है और लुमिनेंस को -100 रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको आना है सीएन कलर, तो सीएन कलर पर आने के बाद इसका भी सिचुएशन बिल्कुल कम कर देना है। एंड उसके बाद ब्लू कलर में आना है, तो ब्लू कलर में आने के बाद इसका भी सिचुएशन हल्का सा आपको कम करना है एंड डन कर देना है। सो इतना कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली आना है लाइट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो लाइट वाले ऑप्शन में आना है, सो कर्व ऑप्शन में आना है। कर्व ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको टिक कर लेना है, जहाँ मैं मार्क लगा रहा हूँ वहाँ पे आपको मार्क लगा लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ से अगर गलती से हो जाए मतलब इधर उधर, तो आप बैक कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं बैक कर ले रहा हूँ, इसको अच्छा से मार्क लगा रहा हूँ। सो इस मार्क लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ इस तरह से यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के आपको नीचे की तरफ लाना है कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद यहाँ से भी आपको कुछ इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ कम करना है, नहीं यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे। एंड उसके बाद आपको सिंपली आना है नेक्स्ट ब्लू, ब्लू कलर ऑप्शन पे आना है। एंड उसके बाद यहाँ पे भी आपको 4 टिक कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद आपको यहाँ से आपको ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से उठाना है और इसको आपको हल्का सा नीचे करना है, क्योंकि इसमें वार्म टोन हल्का सा डालना है। सो इतना कुछ करने के बाद आपको डन कर देना है। सो डन करने के बाद आपको नेक्स्ट इस ऑप्शन पे आना है। इस वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको क्लैरिटी को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है, डीएज को बिगनेट को हल्का सा डिक्रीज करेंगे। एंड उसके बाद आपको आना है डिटेल वाले ऑप्शन में। डिटेल वाले ऑप्शन में आने में नॉइज रिडक्शन एंड कलर नॉइज रिडक्शन एंड शार्पनिंग को कुछ इतना रख लेना है। एंड आपको मास्किंग को कुछ इस तरह से कुछ इतना रखना है।
सो इतना कुछ करने के बाद आपको लास्ट में आपको यहाँ पे मास्किंग ऑप्शन मिल जाएगा। सो गाइस, तो अगर आपने लाइट रूम को अपडेट नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपडेट कर लीजिए, उसके बाद आपको ये वाली फीचर मिल जाएगी। सो उसके बाद आपको इस प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइनर ग्रेडियंट, इस पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ऐसे करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन में आने के बाद एक्सपोजर को 100 रख देना है। एंड उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन में आने के बाद क्लैरिटी और डिहेज दोनों को -100 रखना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्परेचर को इनक्रीज कर देना है कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद आपको फिर से एक और लेयर पे आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके यहाँ का आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोजर को हल्का सा कम कर देना है। और यहाँ पे भी फिर से आपको एक और लेयर बनाकर आपको क्या करना है, रेडियल ग्रेडियंट पे क्लिक करके कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सपोजर को कम कर देना है। एंड डन कर देना है। सो गाइस, तो आप देख सकते हैं कितना मस्त मैजिक एकदम से एडिट हो चुका है। सो इतना आपको एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है। सेव करना है, यहाँ से आपको सेव करने के बाद इस फोटो को आपको फिर से इंपोर्ट करना है। क्यों करना मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सो गाइस, तो फोटो सेव करने के बाद आपको इस फोटो को आपको सिंपली आपको डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। एंड फिर से इसी फोटो को आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा। एंड इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सो गाइस इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली लाइट वाले ऑप्शन देख सकते हैं, इस लाइट वाले ऑप्शन में आना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इस मिक्स ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पे येलो कलर के बिल्कुल सिचुएशन आपको कम कर देना है कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद आपको ऑरेंज कलर पे आना है, जो फेस का कलर है। तो यहाँ पे हल्का सा सिचुएशन कम करना है कुछ इस तरह से। एंड डन कर देना है। सो डन करने के बाद आप फोटो देख सकते हैं। सो गाइस, तो इस प्रीसेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद कॉपी सेटिंग कर लेना है कुछ इस तरह से, ज्योमेट्री पे टिक करके मास्किंग कर लेना है और हील को एंड टर्न करना है। टर्न करने के बाद बैक आना है। एंड उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करके पेज सेटिंग कर देना है। सो गाइस, पेज सेटिंग करते ही आपका फोटो बिल्कुल ही एडिट हो जाएगा कुछ इस टाइप से, जस्ट वन क्लिक में आप देख सकते हैं गाइस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो इस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको ये लाइट नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, इस डिलीट पे क्लिक करके कुछ इस तरह से आपको डिलीट भी कर सकते हैं। सो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।